अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हो मेरा चैनल यूट्यूब बोपती बरबर। तो यार बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाईजान असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो सबसे पहले भाई ये कि ईद के ऊपर काम बहुत ज़्यादा था और बिज़ी बहुत ज़्यादा था। अब ईद पे मैंने ये कलर मंगवाया और डीलर इतने नंबर वन हरामी हैं कि वो हमको भी चूना लगा देते हैं। अब किसके ऊपर बंदा तबार करे और किसके ऊपर बंदा ना तबार करे, कसम से दिमाग ख़राब है इस चीज़ के ऊपर। कि हालांकि आप चाहो कितनी भी ईमानदारी से काम करो, बाकी अगले बंदे की पता नहीं कोई फितरत में है या उसके खून में है कि उसने धोखा लाजमी देना। अब ये बंदा हमारी दुकान के ऊपर रेगुलर जो है ना कलर दे रहा था, फिर भी उसने यकी की है, ठीक है, और ये दो नंबर दे दिया। अब मेरा दुकान के ऊपर आया कोच, जब मैं मोटा था, मेरा वज़न 120 किलो था, और वो मेरा कोच आया और मैं तो सारी उम्र उसका जो है ना क्या उसको बोलते हैं उसका मशहूर हूँ, उसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ऐसा था जैसा कोई बैंस थी, ठीक है, और उसने मुझे बिल्कुल पतला किया, नॉर्मल किया और आज मैंने उसको कलर लगाया है। और ये मेरा कोच है, मैं इससे तकरीबन पिछले 7-8 साल से गेम खेल रहा हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ इस कलर का आपको कि ये मैंने कलर तो बाई कर लिया, अब इसको मैंने किस तरह कवर किया है। अगर आपने भी कुछ दो नंबर ले लिया है ना तो उसको फिर कवर कैसे करते हैं, तो आए फिर वीडियो देखते हैं। और मेरे कोच के लिए सबसे पहले आपने इसके लिए लाइक भी करना है और एक कमेंट्स भी लाजमी करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यार वीडियो का व्यू सही इसलिए नहीं होता, सजा खब्बा समझा करो, क्योंकि ये देखो एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में ऐसे होता है, तो गुजारा मुजारा कर लिया करो। जिस दिन सेटअप सही बनाऊँगा ना उस दिन पूरी प्रॉपर एकदम बुलबुल वाली वीडियो बनाऊँगा। तो ये वो कलर है जी जो मैंने बाई किया था दुकान के लिए अपने लिए। हालांकि बहुत से कमेंट्स आते हैं भाई हमें असली नकली की पहचान बताओ। अरे भाई असली नकली की आपको पहचान क्या बताएं, इधर तो हमें भी चूना लगा देते हैं, हालांकि हम लोग तो इस काम में प्रोफेशनल हैं। अब ये मैंने इसकी की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के बाद इसमें से दो ही है, ठीक है, एक लिक्विड है और दूसरा कलर है, तो दोनों निकाले। जब मैंने कलर को खोला और जब कलर का डब्बा मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा, देख के मैं बोला यार लगता है कि मेरे ना कोई दो नंबर ही हो गई है, क्योंकि कलर हमारा तो रोज़ का काम है दुकान के ऊपर, कलर लगाना बालों में, बियर्ड के ऊपर, सब कुछ करना। जब मैंने कलर देखा तो मैंने देखा बाबे हो लगता है कोई बंदा जड़ा ना कोई हरामदा बंदा, कोई हरामदा ही जिन्हें मैंने ये कलर दिया दो नंबर। मुझे डाउट था कलर का, तो फिर मैंने क्या किया, मैं बोला चलो मैं शायद मैं गलत हो सकता हूँ, फिर भी मैंने कोच, अब मेरे पास स्पेशल इसी काम के लिए आया तो मैं बोला फिर कोच का काम तो नहीं ना ख़राब करना, मैंने मेरा उस्ताद है पीरो मुर्शिद है मेरा, ठीक है, तो मैं उसको बोला फिर अपनी एहतियात के तौर के ऊपर मैंने फिर क्या किया, मैं बोला चलो यार कलर में तो मुझे डाउट लगता है, अब कोच को क्या मालूम है कि भाई कलर से हो क्या रहा है हम लोगों को। फिर मैंने इसको कलर को अच्छी तरह मिक्स किया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट को छोड़ने के बाद तो मैंने पहले भी आपको बताया कि नंबर ए ज़्यादा डालना है और नंबर बी कम डालना है, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए रखे ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैंने फिर मेरे दिल में आया, मैं चलो यार तेल लगा लेते हैं। फिर मैं देखा मेरे पास जॉनी क्रीम भी है, तो अगर आपके पास, पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास जॉनी क्रीम नहीं है तो आप जॉनी क्रीम ले लो, सिर्फ 5 दिरहम की मिलती है। तो अगर नहीं है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, अगर दुबई में है तो ये आराम से मिलेगी, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में हैं तो आप सरसों का तेल लगा लें या वैसलीन लगा लें। तो फिर भी मैंने अपने कोच को एहतियात के तौर के ऊपर मैंने जो है ना वो क्रीम लगा दी है आपके सामने या कानों के ऊपर, ठीक है, उसके बाद गर्दन के ऊपर मुझे, क्योंकि कलर में ऐसा लगता था कि कुछ जो कलर है ना कुछ ये लाजमी करेगा, क्योंकि इसकी जो हरकतें थी ना कलर की बिल्कुल अच्छी नहीं थी, नज़र नहीं आ रही थी कि ये लग रहा था कि कोई ना कोई इन्फेक्शन करेगा। और हुआ वही है कि इसने बाद में अपना आप दिखाया कि मैं ऐसा ही हूँ, तुमने अच्छा किया जो है ना कि तूने एक क्रीम लगा ली है। तो मैं बोला चलें ठीक है लगा लेते हैं भाई क्रीम, मैंने एहतियात के तौर के ऊपर क्रीम लगा ली। अगर आप लोगों ने भी बाई कर लिया कोई दो नंबर तो फेंकने का तो फ़ायदा ही नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करें, सबसे पहले आप क्रीम लगा लें, बालों को अच्छी तरह सबसे पहले वाश करें, वाश करने के बाद उसको ड्राई करके सुखा के या क्रीम लगा लें या तेल लगा लें। तो अब लगाते हैं जी कलर। अब मैंने कलर जो है ना जानबूझ के जिल्द के ऊपर नहीं लगाया था, मुझे लग रहा था कि ये जो जिल्द के ऊपर है ना वो आएगा, और हकीकत के तौर के ऊपर ये जिल्द के ऊपर वाकई ही आया था, इतना मज़ा नहीं आया था, बाकी ये है कि गुजारा हो गया था। अब कोच के जितने भी बाल आपको ये साइडों के नज़र आ रहे हैं पूरे के पूरे वाइट हैं। तो मैंने ये कलर लगा दिया, लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट रखा, और 15 मिनट के बाद अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि इस कलर ने मेरे से किया क्या है। इस कलर ने ये किया कि स्किन के ऊपर पूरा आ गया था। तो ये जो क्रीम है जॉनी क्रीम, इस क्रीम का ये फ़ायदा है कि ये जो है ना स्किन के ऊपर आने नहीं देता,
ठीक है, स्किन के ऊपर बिल्कुल नहीं आने तक। इस क्रीम का ये फ़ायदा है, अगर आप वैसलीन भी लगाएंगे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है सर जी, आप दबा कर लगाएं। क्यों? वैसलीन भी जो है ना वो स्किन के ऊपर आने नहीं देती। तो अभी आपको मैं बंदे का दिखाता हूँ, कोच का फाइनल बंदा, सॉरी यार मैंने बंदा बोला है, तो मेरा उस्ताद है, मेरा कोच है, ठीक है, जिम्स खाने वाले मुझे यही बंदा है। तो ये हमारा तकरीबन लग गया कलर, ऊपर भी जल्दी जल्दी लगा देते हैं, और उसके बाद इस कलर ने कैसे इन्फेक्शन किया और फिर मैंने इसको कैसे कवर किया वो भी आप देखें। और आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बताना कि किस किस ने दो नंबर लिया है, या किस किस की किस्मत ऐसी है कि जिसको स्किन के ऊपर कलर आ जाता है। तो ये तकरीबन हमारा काम 95% हो चुका है। तो अब जो है ना जल्दी जल्दी ऊपर भी लगा देते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। अब ये चेक करें, स्किन के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया कि ताकि आप लोगों को जो है ना वो बात अच्छी से समझ में आ जाए, तो गल समझा करो। ये चेक करेंगे, अब 15 मिनट के बाद ये इन्फेक्शन हुआ और मैंने जो क्रीम लगाई थी ना उसने स्किन के ऊपर आने नहीं दिया, ठीक है। एक कलर दो नंबर मैंने खुद ले लिया। तो भाई आपको बताने का मतलब ये है कि आप क्रीम लगाओ, वैसलीन लगाओ, तो इसको कवर करो। तो अभी आपको मैं अपने कोच का फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ और आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि फिर आपको बोल रहा हूँ कि किस बंदे ने दो नंबर बाई किया है। और ये रहा जी फाइनल बंदे का रिजल्ट, मेरे कोच का चेक करें और कमेंट्स में बताएँ कि ये कलर कैसा लगा आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।